हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल ही में हुए इवेंट में, एप्पल के इवेंट में, एप्पल ने अपने दो न्यू फोन एप्पल आईफोन 12 प्रो और एप्पल आईफोन 12 प्रो मैक्स लॉन्च करे हैं, जिनकी कीमत 1,29,000 तक है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी पे एक वीडियो बनाई जाए। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। दोस्तों, इतनी ज्यादा कीमत होने के बावजूद भी लोग इसे बहुत खरीदते हैं। एप्पल के दीवाने आपको हर देश में मिल जाएंगे और उसको लेकर वो बहुत सारी ऐसी हरकतें भी कर जाते हैं जो पागलपना ही कहा जा सकता है उन्हें। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ऐसे 5 लोग जिन्होंने सारी हदें पार कर दी आईफोन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5 पे आता है एक यूक्रेनियन मैन अलेक्जेंडर, जिसने अपना नाम ही चेंज कर दिया। उसने अपना नाम आईफोन सिम रख लिया। सिम का मतलब लोकल लैंग्वेज में होता है 7। उसने ऐसा क्यों किया? दरअसल एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का प्रमोशन चल रहा था, जिसमें उन्होंने बोला था कि आप अगर अपना नेम चेंज करोगे तो हम आपको आईफोन 7 देंगे। तो इस बंदे ने अपना नाम ही चेंज कर लिया और आईफोन सिम रख लिया और ये बोलता है कि मैं ये नाम अपने बच्चों तक, जब तक मेरे बच्चे लिए हो जाते हैं, मैं जब तक इस नाम को रखे रखूंगा। और इसे बस अपना नाम चेंज करने के $2 लगे थे और जबकि एप्पल आईफोन 7 था जो वो $850 का था। बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ और इसमें हम देखेंगे कि आईफोन की दीवानगी के लिए एक इंसान क्या क्या कर सकता है। दोस्तों, आईफोन की दीवानगी इस हद तक बढ़ गई संघाई में, जहाँ पे कोंजिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को रेंट पर दे दिया ताकि वो आईफोन के लिए पैसे जुटा सके। दरअसल ये बात है सन 2014 की, जब आईफोन 6 आया था तो उस लड़के के पास पैसे नहीं थे, जिसको देखते हुए उसने ये सोचा या प्लान बनाया कि यार मैं अपनी गर्लफ्रेंड को किराए पर देने की सोचता हूँ। तो उसने कैंपस में बहुत सारे पोस्टर लगा दिए इसके लिए और बकायदा रेट लिस्ट भी जारी करी, जैसे 1 घंटे के $2, 1 दिन के 10, 1 मंथ के $100। बढ़ते नंबर 3 की तरफ और नंबर 3 पे जो आता है वो थोड़ा अजीब सा केस है। दरअसल हुआ यूं कि साल 2014 में जब सऊदी अरब में एक शादी में रुकावट आ गई। रुकावट किस लिए आई? रुकावट आई आईफोन की डिमांड को लेकर। दरअसल दुल्हन के भाई ने ये पेशकश रखी कि अगर आईफोन 6 मुझे नहीं मिला तो ये शादी नहीं होगी। अगर ये डिमांड उस लड़की की आती, उस जिसकी शादी होने वाली है, तो एक मान भी सकते थे, पर ये डिमांड आ रही थी उसके भाई की तरफ से। बढ़ते नंबर 2 की तरफ था एक थाईलैंड का निवासी, जो थाईलैंड से अपने होम कंट्री से ऑस्ट्रेलिया गया था और वहाँ वो 18 घंटे बारिश में खड़ा रहा। क्यों? क्योंकि उसे एप्पल आईफोन 7 का वो मॉडल मिल जाए, वो कलर मिल जाए जो वो चाहता था। क्यों है ना इतने कमाल की बात कि एक आदमी में इतना डेडिकेशन एक आईफोन के लिए। बढ़ते नंबर 1 की तरफ, जो हम मजाक में अक्सर कहते हैं, जो जुड़ा है इस छोटी सी वीडियो से। अरे भाई, अरे शुभम, कैसा है ब्रो? बढ़िया ब्रो, तू यहाँ कैसे आया है? यहाँ कैसे? अरे भाई एक मिनट रुक यार। Baby, I got you new iPhone 7. iPhone 7? Yeah, wow. Baby. Wow. How is it? It's amazing. बस साले एक बात बता, तूने iPhone 7 कैसे ले लिया? जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही रियल में बहुत बार हो रखा है, जब आईफोन की दीवानगी को लेकर लोगों ने अपनी किडनी या और बाकी पार्ट्स बेचे हो
और ये ज्यादातर चाइना में देखा जाता है। तो बस इतनी सी थी ये वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आपको पता ही है क्या क्या करना है, प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।